लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कॉलेज के चेयरमैन हरीश चंदन। ओ, लगता है सारे चैनल वाले आ गए। वेलकम वेलकम। हमेशा से आपका कॉलेज संगीत कंपटीशन जीतती आई है, इसलिए हम आपका इंटरव्यू चाहते हैं। आप लोगों को मेरा इंटरव्यू नहीं लेना है। मेरा ले लो। शट अप। हमारे मास्टर्स का देखिए, कोई भी कॉलेज टॉपर होता है तो उसकी वजह उसके मास्टर होते हैं। वैसे ही हमारे कॉलेज में एक है, आइए मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। माला नीचे आओ। क्या बाला पेड़ पे चढ़ के संगीत सिखा रहे हो बच्चों को? सर, बच्चे लोग तो स्टेज पर गाना गाएंगे ना, इसीलिए स्टेज पर कैसे गाना गाते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ। इन लोगों को भी बहुत ऊपर आना चाहिए ना, इसीलिए मैं पेड़ पर चढ़कर इन्हें गाना सिखा रहा हूँ। मैं एक तरीके से नहीं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें ऊंचाइयों को कैसे छूना चाहिए। आपका कॉलेज नंबर 1 पे क्यों है ये मुझे पता चल गया सर। इसीलिए तो कहा था कि बाला का इंटरव्यू लो। चलो ले लो इंटरव्यू। सर, मेरे बारे में तो सारी जनता जानती है, इसलिए ये इंटरव्यू आप ही दीजिए। अगर होटल में अच्छा खाना बनता है तो इंटरव्यू किसका लिया जाता है? बावर्ची का इंटरव्यू नहीं लिया जाता, होटल के मालिक का लिया जाता है। इसीलिए इंटरव्यू आप ही दीजिए। अच्छे बेटे को अच्छा पिता, अच्छी फसल को अच्छा किसान, अच्छे देश को अच्छा नायक मिलना चाहिए। उसी तरह हर अच्छे कॉलेज में एक अच्छा मास्टर होना चाहिए। देखो, यही संगीत है। हमारा बाला एक अनोखी प्रतिभा का स्वामी है। एक साल में इसने अपनी प्रतिभा दिखा दी है। हमारे कॉलेज की वजह से बहुत सारे कॉलेजों को नुकसान हुआ है, लोगों ने पहचानते भी नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ कह भी नहीं सकता। इसीलिए मैं अपने मास्टरों का आदर करता हूँ। मुझे फक्र है कि वाला हमारे कॉलेज में है। क्या सुना क्या? हमारे चामुंडी देवी को गुस्सा आया होगा। अगर हम अंदर रहते तो हमको लगता, अब बाहर रहते किसी सामान को लगा होगा। क्या हुआ मैडम? राव जी, ये सब कुछ क्या है? क्या मैं आप लोगों को सैलरी नहीं देती? कोई कमी है यहाँ पर? स्टूडेंट्स से ज्यादा तो टीचर्स हैं मेरे कॉलेज में। काम करने वाले कम, काम करवाने वाले ज्यादा हैं। तो कल्याणी कॉलेज नंबर 1 क्यों, और हमारी कॉलेज की ऐसी हालत क्यों है? वहाँ का चेयरमैन मैडम एकदम सोना है। शट अप। ये आवाज कैसी है? आपने जो थप्पड़ मारा उसी की आवाज है। मैं जो बोल रही हूँ वो उस आवाज के बारे में क्या है? ऐसे पुराने रिदम पर डांस सिखाकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएंगे। रिडिक्यूलस। रुकिए, स्टॉप इट। इंडिया से लेकर लंदन तक ना जाने कितने कॉलेजेस में प्रोफेसर की हैसियत से काम करके डांसर्स बनाए हैं।
वही आज चामुंडेश्वरी के कॉलेज में, मेरे अपने कॉलेज में इस तरह का डांस सिखाया जा रहा है। शेम शेम। मैं सही तो सिखा रही हूँ मैडम। करेक्ट। और तुम जिस तरीके से डांस सिखा रही हो वो सीखते सीखते ये लोग बूढ़े हो जाएंगे। डांस कैसे करना चाहिए मैं सिखाऊंगी। मेरा म्यूजिक प्ले करो। पैर लग जाता तो चेहरा बिगड़ जाता। डांस इसे कहते हैं। ये सब कुछ तो ठीक है मैडम, आप जिस रेंज में सोचती हैं उस रेंज में मास्टर भी तो चाहिए। इनमें से कोई नहीं है। एक हफ्ते से सितारा इंटरनेशनल 7 स्टार होटल के अंदर फ्राइडे सैटरडे और संडे को कार पार्किंग फुल हो जाती है। 16 साल की उम्र से लेकर 24 साल के लड़के लड़कियां वहीं पर डांस सीखने जा रहे हैं। इसलिए कोई कृष्णा है सुपर डांसर, जाइए देखिए। अगर आप में हिम्मत है तो उसे हार करके मास्टर बनाकर यहाँ ले आइए। अब तो उसे बुलाना ही पड़ेगा। सारी हसीनाओं में कोई जाबाजू
हूँ समा तो बना मचला कृष कृष्णा कृष्णा नरेश सुब्रमणी आई एम चामुंडेश्वरी हेलो हमारे मैडम के बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम सब कुछ पता है इनकी अतीत की एक कहानी है समुद्र से भी गहरी आप क्या किसी से कम हैं कल मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी आप तो यहाँ बहुत फेमस हैं हाँ मैं तो सिर्फ यही फेमस हूँ आप तो पूरे इंडिया में फेमस है अब ये सब बातें छोड़िए और ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुम मेरे कॉलेज में डांस मास्टर की हैसियत से काम करोगे मेरे स्टूडेंट्स को तुम अपनी तरह से तैयार करोगे जितना पैसा चाहिए मिलेगा टेक दिस ब्लैंक चेक ये मत सोचो कि मैं अहंकार से कह रही हूँ कला तो मेरी जान है नृत्य मेरी रग है और तुम जैसे मास्टर की मेरे कॉलेज को जरूरत है तभी तो मेरे कॉलेज की तरक्की होगी बोलो अगर आप सिर्फ पैसे की बात करेंगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा फिर आपका काम नहीं होगा कला को आप कितना प्यार करती हैं, कितना कॉलेज को चाहती हैं, ये आपकी आंखों में मुझे साफ नजर आ रहा है और इसीलिए मैं आपकी शर्त मान लेता हूँ अगर तुम मेरी कॉलेज में मास्टर बनोगे तो जो भी यहाँ डांस देखने आएंगे तुम्हें देखकर यहाँ के स्टूडेंट्स बन जाएंगे और फिर वो कल्याणी कॉलेज कहीं नजर नहीं आएगा आदमी इच्छा करता है और भगवान उसे पूरी करता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा पर मेरी एक शर्त है मैं कब आऊंगा कब जाऊंगा ये मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा देखिए मैं एक फ्रीलांसर हूं ओके ओके मैं कल से क्लास शुरू करूंगा मैडम एक छोटा सा सजेशन अपनी लिप्स पर लाइट लिपस्टिक लगाएंगी तो ज्यादा ग्लैमरस दिखेंगी ये सब मैं जानती हूँ ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी तेरी जिप क्यों है हमेशा खुली खुली यहाँ रिश्ते नाते मनी मनी कौन है रे कौन है ये चौधरी मैं हूँ चौधरी नरेश चौधरी तुम कौन मैं कौन हूँ अरे बेवकूफ इस गांव में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं सब मेरी हैं कितने प्यार से अपनी दूसरी बीवी के नाम पे ये जमीन किया था मैंने मैं यहाँ पर अच्छी शराब की फैक्ट्री डालना चाहता था तूने मेरे सारे प्लांट पर पानी फेर दिया कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आया अंकी रेड्डी को कायर समझाए क्या डरेगा नहीं लोहा है लोहा करम होगा तू अगर तू कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री डालता तो मैं कूल रहता शराब की फैक्ट्री वो भी एक संगीत कॉलेज की जमीन पर छी इसीलिए मैं स्टे ऑर्डर लेकर आया हूँ यहाँ शराब की फैक्ट्री नहीं डालने दूंगा तू मना करने वाला कौन होता है मैं देखता हूँ 2 करोड़ रिश्वत दी है अपनी दूसरी पत्नी को हिस्सा दिया है इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा ये प्रोजेक्ट मैंने कितनी मेहनत से खड़ा किया है सुन तू क्या तेरा बाप भी आ जाएगा ना तो ये फैक्ट्री इधर ही बनेगी इधर ही बनेगी इधर ही बनेगी आपकी बात को कौन काट सकता है लगाइए सर लगाइए फैक्ट्री ये हुई ना बात ये समझदार लोग को ही समझ में आता है क्या रे ये कौन है सर इनकी पर्सनालिटी के हिसाब से फैक्ट्री के लिए स्मगलिंग के गोदाम ही सही है अगर हम अपने संगीत क्लास यहाँ खोलेंगे तो ऊपर से माँ सरस्वती साक्षात आकर हमें मारेगी करेक्ट कहा वाला शराफत से स्टे ऑर्डर वापस ले ले नहीं तो जब मेरी फैक्ट्री यहाँ बनेगी तेरा कॉलेज यहाँ नजर नहीं आएगा ये सारे लोग तेरी डफली बजा कर रख देंगे क्या समझा ओए क्या बक रहे हैं आप क्या हमारे चेयरमैन नालायक है एक नंबर के बेवकूफ हैं घास खाते रहते हैं क्या यहाँ से उखाड़ उखाड़ के क्या समझ रखा है तुमने इनको बाला ठहरी है सर क्या भाई आप फैक्ट्री लगाओगे ये अगर गधे पर बैठकर छोटे कोर्ट में जाएंगे तो तुम क्या बड़े कोर्ट में जाओगे वो भी घोड़े पर बैठकर सही बात है ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई अरे मैं ऊपर के कोर्ट में जा सकता हूँ ये बात मुझे पता है क्यों नहीं बेवकूफ अरे दिमाग विमाग छोड़ अगर तेरे में हिम्मत है तो 15 तारीख को 8 बजे आकर भूमि पूजा कर ले अगर तूने भूमि पूजा कर ली तो तेरी नजर मैं उतारूंगा चल कर ले जल्दी जल्दी भूमि पूजा ये 15 तारीख तो मेरे लिए लकी डेट है बड़ी अच्छी बात है सुनो सबसे पहले मैं बड़े कोर्ट में जाऊंगा और इसके स्टे की वोट लगा दूंगा तू जो मुहूर्त निकाला उसी वक्त भूमि पूजन करूंगा और वही नारियल फोड़ूंगा और इसको भी प्रसाद खिलाऊंगा सबको बता के
फिर काम शुरू करूंगा। ए, चलो रे। सर देखा ना कैसा भगा दिया मैंने। भगा दिया? कौन से जन्म का बदला लिया तूने? तू मेरा आदमी होकर उसकी तरफ से बोला कौन सी तारीख को मुहूर्त निकलना चाहिए, सब कुछ बता दिया तूने। फिकर नॉट सर, मेरे रहते आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा था साईं बाबा ने। साईं बाबा? तू उसके पास नहीं था ना, तभी उन्होंने ऐसा कहा होगा। मैडम पब्लिसिटी में डालने के लिए मैं अपना भी फोटो दे दूं? गुड मॉर्निंग मैडम। तुम आज से क्लासेस शुरू कर रहे हो? यस मैडम। देखो मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, ठीक है? मैडम मैं किसी की बात नहीं मानता, और जब मान लेता हूं तो अंजाम देकर ही रहता हूं। देखना एक दिन आपका कॉलेज कहां से कहां पहुंच जाएगा। हमारे कॉलेज के प्रमोशन के लिए मैंने सारे चैनल्स वालों को बुलाया है। यू मीन टीवी इंटरव्यू? यस। छोटा सजेशन है, ये साड़ी पर अगर ब्लाउज पिंक होता तो आपकी खूबसूरती और बढ़ जाती, और आप चलेंगी तो ताजमहल के सामने मुमताज बेगम चल के आ रही है, और आप हंसेंगी तो। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। क्या है ना मैडम, 35 साल पहले अगर मैं पैदा हुआ होता और 35 साल बाद अगर आप पैदा हुई होती तो मैं आर 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 और ज्यादा बात करता। मैडम? यस मैडम, इंटरव्यू के लिए आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही इंतजाम कर दिया। आप रेडी है ना? या आई एम रेडी। आप इसी साड़ी में इंटरव्यू देंगी? ओ क्यों, अच्छा नहीं है? कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस साड़ी पे पिंक ब्लाउज होता तो बहुत अच्छा लगता। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। एक में है, साथ में चमचा भी है। ये push to 10. Marry you to the threshold, kept you in lights down real low, and turn up that stereo, seriously, I think you and me were made for each other, rock your sister with the soul, brother. हेलो मैडम। यस। मैंने जो कहा था कर दिखाया, आपकी इच्छा पूरी कर दी। अगर 1000 स्टूडेंट्स भी मेरे कॉलेज में एडमिशन ले लें फिर भी मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। कल्याणी कॉलेज के चेयरमैन की बेटी कल्याणी, वो मेरे कॉलेज की स्टूडेंट हो तो मेरी इच्छा पूरी होगी। वो लड़की इस वक्त कहाँ होगी? कल ही वो MBA की पढ़ाई पूरी करके दिल्ली से यहाँ आ रही है। तो समझो आ गई। ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, एक बार नजरें मिल गई ना तो कल्याणी इस कॉलेज में नजर आएगी। नजर मिला के क्या तुम कोई हीरो या जादूगर हो? कुछ भी समझ लीजिए। मैडम एक छोटा सा सजेशन है। मैं अपने बारे में जानती हूँ। मैं आपकी खूबसूरती के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, चेक के बारे में बोल रहा हूँ। चेक पास हो जाएगा ऐसा तो नहीं सोचा था? हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है,
हम बोलेगा तो बोलोगे के बोल कैसे खुल गई सर सर ये क्या अन्याय हो रहा है आपकी बेटी शराब पी रही है और आप खुश हो रहे हैं अरे आप चीयर्स भी करने के लिए रेडी हो गए ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है सर मेरी किस्मत में कहा पूरी बोतल पी जाता था पहले हाफ करवाई फिर क्वार्टर करवा दिया पिछली बार दिल्ली जाते जाते इसने वो भी बंद करवा दिया और फिर पीने की बात की तो कहती है मैं भी चेस करूंगी तुम्हारे साथ शाबाश आप जैसे को कोई नहीं रोक सकता ना घर वाली ना बाहर वाली सिर्फ बेटी कंट्रोल कर सकती है बहुत अच्छा जैक लगाया जी जी मतलब आप मेरी बॉस की बेटी है इसलिए जी हाँ बहुत सारी इज्जत है तू भी शुरू हो गया मेरी दुश्मन बेटी के साथ मिलकर सर बालाजी हमारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं मुझे मालूम है तू अपना मुंह बंद कर आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा आपको शुगर और बीपी भी है इतना मत पीजिए ना प्लीज जब वादा किया तो कैसे पीऊंगा बेटी लेकिन पीऊंगा हाँ? सिर्फ एक बार तो मैं भी पीऊंगी तेरी शादी के दिन गुड बॉय क्या क्वार्टर सेंटिमेंट है क्या सर डॉटर सेंटिमेंट हाँ नहीं बाला मैंने अपनी बेटी से न पीने का वादा किया बाला नहीं पापा मैं हूँ बेटी पियो तुम बिना पिए आपको जो तकलीफ होगी वो कहीं ज्यादा होगी पी लो आपको नींद आ जाएगी जग में साथी चाहिए मन के द्वार खोले जग में साथी चाहिए मन के द्वार खोले जल 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 चले छल 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 करे जल 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 चले छल 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 करे दिल के संगीत को गाओ दिल के संगीत को करे दिल मेरा जब मैं करूं तुमसे अपने दिल की बात धक धक करे दिल मेरा जब मैं करूं अपने दिल की बात घड़ी बीत जाए तो कभी देर ना करो माने जग सारा तुम क्यों मानो ना जग में साथी चाहिए मन के द्वार खोलने कभी मैं चांद देखूं कभी मैं तुम्हें देखूं जग में साथी चाहिए ओ मन के द्वार खोलने
धर झर 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 मेरा दिल करता है तुमसे मिलन घन 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 डम 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 तुम चुप ना रहो देख लो हाल दिल का तुम दूर ना रहो मेरे दिल में तुम बसो पाँव के तले प्रेम कमल बिछा दो जो जो कहा तुमसे बरसाओ रंग दिल के कभी मैं चांद देखूं कभी मैं तुम्हें देखूं कभी मैं चांद देखूं कभी मैं तुम्हें देखूं जग में साथ चाहिए हो मन के द्वार खोल दे जग में साथ चाहिए हो मन के द्वार खोल दे संगीत में नशा है ये आपने साबित कर दिया बिना पिए मेरे पापा को कभी नींद नहीं आती है पर आपने अपने गाने से इन्हें सुला दिया सुपर्ब बस बाला अभी तक तुमने बहुत दे दिया आज के जमाने में कौन किसके लिए क्या करता है लेकिन हमारी कॉलोनी के लिए तुम अपनी कमाई का एक एक पैसा हमें दे रहे हो तुम तो फरिश्ते हो हम सबके लिए तुम जो सोचते हो भगवान तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करे यही हमारी दुआ है आज 15 तारीख है भूमि पूजन के लिए वो अभी तक आया क्यों नहीं तो क्या है चौधरी कल 14 तारीख को मेरी दूसरी पत्नी का जन्मदिन था लेट नाइट हो गया था सुबह उठने तक मुहूर्त खत्म हो गया इसीलिए मैंने अपना मूड बदल दिया है लेकिन कोई बात नहीं अब मैं नया मुहूर्त निकालकर बड़े धूमधाम से भूमि पूजन करूंगा क्या है शराब की फैक्ट्री तो मैं इधर ही बनाऊंगा क्या रे आज वो मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहा है सर हाँ ये देखने में भोला लगता है अगर फाइट ऐसे करता है जैसा सुपरमैन अगर विश्वास नहीं होता है तो हॉस्पिटल में जाकर एक नजारा देख लो अरे बाप रे बचाओ ये सब क्या है इन सब की इतनी धुलाई किसने कर दी सबके पार्ट खराब हो गए हैं सर सब बेकार लोग हैं एक एक को खड़े होने में 6 महीने लग जाएंगे सर अरे बाप रे इसको इस तरह खड़ा करके क्यों रखा है अरे सुबी तुझे क्या हो गया सर इन सबको खड़े होने में 6 महीने लगेंगे इसको लेटने में 10 महीने लगेंगे चलने में 6 महीने लगेंगे ऐसे सर। कैसे ले जाऊं तुम सच कह रहे थे चाचा इन लोगों की ऐसी हालत उसी ने की है हां सर उसने कहा है अगर आप भी उधर गए तो आपकी भी हालत ऐसी ही होगी तुम चुप रहो मुझे पता है वो अपने आप को शेर समझता है ना मेरे बारे में नहीं जानता मेरी पावर कितनी है कल ही मैं अपने गांव से स्पेशल गुंडे बुलाऊंगा वो लोग उसे उठाकर यहाँ लाएंगे और फिर मैं उसको अपने आंखों के सामने मच्छर की तरह पिसवाऊंगा और फिर उसके बाद 6 महीने तो क्या साल भर तक वो खड़ा नहीं छोड़ दो भाई अरे छोड़ दो मुझे उतारो मैं कोई साधु सन्यासी नहीं जो मुझे इस तरह उठा के ले जा रहे हो अरे इतना सम्मान मत करो भाई उतारो मुझे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग तेरे धुलाई करने के लिए तुझे लाया है इधर उनको मारा था ना अब इन्हें मार के दिखा अरे मैंने इन्हें अपने गांव से खास तेरे लिए बुलाया है शेर है लोग इन गुंडों को अब तू मार के दिखा तब तुझे पता चलेगा कि हंकी कायर नहीं है चेर है सर ये लोग मुझे जबरदस्ती उठाकर यहाँ ले आए सर मेरा तो बुरा हाल हो गया सर प्लीज मुझे जाने दीजिए क्यों अब हवा निकल गई ना देखा अब पता चला कि हंकी में कितना दम है मामूली तरीके से नहीं मारा सर इस मुस्टंडे ने ऐसे मारा सर इस कमीने ने जरा भी रहम नहीं खाया सर और ये काले पीले गुंडे इन लोगों ने सर
इन लोगों ने मुझे इतना बुरी तरह पीटा, देखो सर, ये देखो सर, ये देखो, फिर आगे सर, इनको रोको, रोको सर इनको। सर, ठीक है सर, मैं अभी देखता हूँ सर। अब ठीक हो ना सर, ठीक हो ना? अरे मुझे छोड़ दे, मुझे मत मार, मुझे मत मार। नहीं सर, मुझे सुनना होगा, आगे क्या हुआ? सर, सुनना होगा, मेरी बात सुनिए सर। ये इतना सारा त्यौहार में अकेला था सर, इन लोगों ने बिल्कुल दया नहीं दिखाई सर। नहीं देख रहा है मुझे, नहीं देख रहा, सुनना भी नहीं है मुझे, नहीं सुनना मुझे। मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरा बॉस जो है ना चौधरी, वो भी ऐसे ही आप ही की तरह बैठता था। नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो चौधरी की हैसियत का नहीं हूँ। नहीं सर, आप बिल्कुल वैसे तो ही है। मैं खड़ा हो गया। बिल्कुल इसी तरह मेरा बॉस भी खड़ा रहता था। तुम्हारा बॉस खड़ा था, चलो मैं बैठ गया। सुने, अभी तो मैंने सिर्फ सहलाया है, आइंदा अगर इन लोगों ने चौधरी की तरह आंख उठा के देखा तो कुत्ते की तरह मारूंगा, तोड़ डालूंगा। अरे बाप रे, ये साधारण आदमी नहीं है, वो जमीन मुझे क्यों चाहिए? फैक्ट्री डालने के लिए नहीं, वो जमीन मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर भी लेकर आती है, वो जगह नंबर वन होती है। यस, मुझे हरदम नंबर वन रहकर ही जीना अच्छा लगता है। मैं पैदा भी हुई थी जनवरी 31 को। मैं जो ड्रेस पहनूं और मैं जैसे शादी करूं, वो भी नंबर वन ही होना चाहिए। हेलो, क्या बात है, खड़े खड़े ख्यालों में? नहीं, वो तो खड़े खड़े ही कोमा में चली गई। अरे कृष्णा, तू तो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मर है, तेरे को देखते ही लड़कियों को करंट लग जाता है। धक्का दिया है, इसे तो शॉक लग गया होगा। चलो। क्यों रे, ऐसे क्या देख रही है? क्या कभी किसी मर्द को नहीं देखा? वो लड़का है ना, हमारे कॉलेज के बाला मास्टर जैसा दिखता है, सेम डिटो वैसा ही लगता है। बस एक छोटा सा फर्क है, हमारा बाला सितार है और ये गिटार है। बिल, अरे बाबा जल्दी चलो, शो का टाइम हो गया है, नहीं तो लेट हो जाएगा। 2300। मेरा पर्स कहाँ गया? अरे तेरा पर्स? पर्स तो मैं लेकर आई थी। You want to see one more? This is okay for you. What can I do for you? हाँ ये ठीक। Hey man, where's my purse? Give it back. उसके अंदर 3000 रुपए थे। Hey, what are you talking? मुझे पता है। खूबसूरत लड़की को देखकर उसे धक्का मारकर तुम लोग उसका पर्स चुरा लेते हो। Hey, stop what nonsense are you talking? ये कौन है जानती हो? भैरवी कॉलेज के डांस मास्टर हैं। लाखों रुपए देकर इनके पीछे लड़के लड़कियां डांस सीखने के लिए घूमते रहते हैं, और इतने ग्रेट पर्सन को तुम पिकपॉकेट कह रही हो, और वो भी सिर्फ 3000 के लिए। इन्होंने जो जूता पहना है उसकी कीमत जानती हो? नवीना नवीना नवीना, कूल कूल कूल, ये कंफ्यूजन में टेंशन में आ गई। नो, मुझे पता है जब तुमने मुझे धक्का मारा था। ये चल ना हो तो, तेरा पर्स कार में ही पड़ा है। जो भी लड़की मिलती है वो कहती है कि मेरा दिल खो गया, ये पहली लड़की है जो कहती है मेरा पर्स खो गया। तेरे मेरे बीच में
कैसा है ये बंधन अनजान। बाला हेलो, ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हैं आप? आपका कोई भाई भी है क्या? ऐसी कोई झंझट मैंने पाली नहीं है, इसीलिए इतना खुश हूँ मैं। पर आप उसके जैसे ही दिखते हो। किसके जैसा? वो मास्टर कृष्णा। हाँ, मैं भी कॉलेज का डांस मास्टर कृष्णा, मेरे जैसा लगता है। ये वंशी ने बताया होगा, तुमने भी देखा क्या? हाँ, देखा ना। हाँ, मेरे जैसा हैंडसम और स्टाइलिश भी है ना। स्टाइलिश, उसका स्टाइल, स्माइल, उसका लुक, उसका वॉक, सब कुछ अलग है। और वो तेरे से नहीं होगा ब्रदर। पूरा जल गया। कल्याणी, कल्याणी। हाँ हाँ, जल्दी इधर आओ कल्याणी। कल्याणी ये देखो, ये देखो, यही है ना तुम्हारा डैशिंग हीरो? हाँ। हाँ, ये जो डांस कर रहा है ये वही है बाला। बाला हाँ। तुम ऐसा डांस कर सकते हो? सितार बजाने का हो, गिटार बजाने का हो, मैं यूं बजा दूंगा। वो सुपर डांसर है तो मैं सुपर सिंगर हूँ। जिसे जो काम आता है उसके लिए वो आसान होता है, लेकिन उसका डांस देखकर तुम्हारे दिल में घंटियां बजने लगी होंगी। घंटियां मतलब? कृष्णा कृष्णा भजोगी और उसके बारे में सोचोगी, उसका डांस देखकर उसे सीखने के बारे में सोचोगी, इस कॉलेज को छोड़कर उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहोगी। स्टॉप स्टॉप, बस बहुत हो गया। मैं चौधरी साहब की बेटी हूँ, उन्हें ये पता चल गया तो मुझे उस कॉलेज में नहीं जाने देंगे। मतलब जाने का निर्णय कर लिया तुमने? हाँ, लेकिन मैं कैसे जाऊंगी? आखिर तुम्हें ये बोलने की जरूरत क्या कि तुम चौधरी की बेटी हो? सच को छुपा दो और कॉलेज में एडमिट हो जाओ। पापा को पता चल गया तो? पता चलेगा तब देखेंगे जी। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो बोल कर करनी चाहिए, और बहुत सी बातें ऐसी होती है जो करने के बाद बताई जाती है। और हम जो सोचते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ तकलीफ तो उठानी पड़ती है। अभी सोचने की जरूरत नहीं है, जो करना है कर डालो। गुरुजी, अब तक आपके साथ रहकर आपको बहुत शौक दिए हैं, और अब आपकी बेटी को एक जोर का झटका दे रहा हूं। एक्सक्यूज मी, यस मैडम्स चेंबर वो उस तरफ है। थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बैठो। आप बैठिए ना। हाँ, मैं बैठती हूँ। थैंक्स, तुम बैठो। आप क्या सोच रही हैं मैडम? कितने स्टूडेंट्स यहाँ आते जाते रहते हैं, पर मैं कभी इतनी इमोशनल नहीं हुई। पर तुम्हें देखकर अजीब सी खुशी हो रही है। मैं नरेश चंद्रन की बेटी हूँ ये पता चल गया तो आप खुश नहीं, आपके होश उड़ जाएंगे। तुम नरेश चंद्रन की बेटी हो इसीलिए तो बुलाया है बेबी। हेलो मैडम। क्या हो गया? तुम्हारा नाम? कल्याणी। कल्याणी। अच्छा राग है, और यही नाम रखा है तुम्हारे पेरेंट्स ने? तुम्हें हमारे ही कॉलेज में क्यों एडमिशन चाहिए? मैंने टीवी पर आपका इंटरव्यू देखा है मैडम। अच्छा? हाँ मैडम। मेरा इंटरव्यू? ओह, साइन कर दो। क्या तुम लेफ्टी हो? हाँ, यस मैडम। मैं भी लेफ्टी हूँ। यस मैडम। कल्याणी को ले जाइए और मास्टर जी से मिलवा दीजिए। चलिए मैडम। थैंक यू मैडम। यस।
चूड़ियाँ, कान की बालियाँ, बालों के बक्कल, सब सामान बराबर है, अच्छी तरह से देख लो, वरना उस दिन की तरह आज भी झूठा इल्जाम लगाओगी। ये लड़की आपके पास डांस सीखने के लिए आई हुई है, मैडम ने स्पेशली इनको आपसे डांस सीखने के लिए भेजा है। अब कोई चांस नहीं, जिसकी जगह बटन है। अंडरलाइन के लिए अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी होता है। अभी जा तू काला। 1 2 3 4 1 2 3 4 लड़ी कल्याणी, कल्याणी कल्याणी, क्या हुआ बेटी? डैडी। हाँ डैडी हूँ, लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? डांस डांस। हाँ डैडी डांस, अगर हमारे कॉलेज में भी डांस क्लासेस होते तो कितना अच्छा होता ना, बस यही सोच रही थी मैं। आज तक मैं सोचता था कि मेरी बेटी को सिर्फ मेरी चिंता है, पर आज पता चला कि तुम मेरे दिल की बात भी समझती हो। ग्रेट बेटा, ग्रेट। हाँ, यहाँ डांस क्लासेस खोलो और वहां की बंद करवा दो। ये 16 साल तंदाना, ये तेरे ख्याल तंदाना, ना 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 ना। हेलो, सब कुछ सक्सेसफुली हुआ ना? बड़े झटके से छोटा सा सक्सेस। क्या बोलता है तुम्हारा कृष्णा? फिर से डांस, उसका पाव लगा और मैं सीधे उसके ऊपर। इसे कहते हैं टू फॉल इन लव। लव? यस। अगर विश्वास नहीं है तो हाथ का योगा कर लेना। हाथ का योगा? हाँ जी, रात को सोते समय दोनों हाथ ऐसे जोड़कर गाल के नीचे राइट में रखकर सो जाना, और उसके बाद 108 बार कृष्णा कृष्णा जपना। हाथ में पसीना आ जाए तो समझ लेना प्यार हो गया। हाँ नहीं बाबा नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। नहीं का मतलब जरूर करोगी। रात को सोते समय दोनों हाथ ऐसे जोड़कर गाल के नीचे राइट में रखकर सो जाना, और उसके बाद 108 बार कृष्णा कृष्णा जपना। हाथ में पसीना आ जाए तो समझ लेना प्यार हो गया। हाँ पसीना पसीना हो गया, मतलब प्यार हो गया जी। नहीं नहीं हुआ। हो गया हो गया हो गया, अगर प्यार नहीं होता तो हाथ में पसीना कैसे आता? शरीर में पसीना नहीं आया ना, मतलब तुम्हारे हाथ में प्यार की रेखा है। अब देर मत करना, सीधा कृष्णा से प्यार कर लो। यस, तुम्हारे प्यार के कारण कृष्णा भी इधर आ गया। म्यूजिक और डांस एक ही कॉलेज में रहेगा, तब हमारा कॉलेज टॉप और वो कॉलेज फ्लॉप। Push to 10. Hey yo, शरीर यहाँ है और मन कहीं और, आंखें कुछ बोलती है और दिल कुछ और बोलता है। एक बार हो तो ओके, लेकिन बार बार होना डेंजर है। अपने आप को ठीक से बैलेंस नहीं करोगी तो हाथ पैर टूट जाएंगे। टेक केयर। कम ऑन गर्ल्स, कम ऑन, लेट्स वॉक।
चला तू तो मन चला तू तो मन चला मन चला तू तो मन चला तू तो मन चला मन चला मन चला बस और ना कहो मुझको तुम तो हो मेरी जान मन चला मन चला बस और ना कहो मुझको तुम तो हो मेरी जान हे झूठ तुम बोलो ना प्यार को मेरे कर लो कबूल मन चला मन चला क्यों बोले ऐसा लो तू तो है बड़ा दिल वाला मन चला मन चला क्यों बोले ऐसा लो तू तो है बड़ा दिल वाला मन चला क्या बात है क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा पर सही टाइम पर हो गया क्या हो गया मुझे कृष्णा से प्यार हो गया है पर मैंने अब तक उसे बताया नहीं तो देर किस बात की है बोल दो ना मुझे डर लगता है यही कदम गलत उठाया देखो जी प्यार होने से पहले प्यार गवर्नमेंट की जमीन की तरह होता है कोई भी बैठ सकता है पता है ना कॉलेज में लड़कियां डाका डालने में एक्सपर्ट होती है इससे पहले तू बोल डाल अगर देर हो गई ना तो चादर फाड़ कर उसे ओढ़ना पड़ेगा देवदास की तरह जल्दी से जाकर दिल की बात बोल डाल खेलला झूमो जरा झूमो नाचो जरा शादी बनाने को ये क्या दरवाजा खुला है खेलला झूमो जरा झूमो नाचो जरा शादी बनाने को कष्टो चला खेलला झूमो जरा झूमो नाचो जरा शादी बनाने को
तुम अंदर कैसे आई? आपके लिए। मेरे लिए? Why? Love. Love? किसको? You. क्या कहा? मुझसे? अरे बाप रे, हम दोनों अंदर और दरवाजा बंद, पता नहीं कौन होगा क्या सोचेगा। अरे अब हम क्या करें, जरा सोचो, जल्दी सोचो। चुपचाप ऐसे ही खड़ी रहो। आयो, आयो, आयो। क्या बात है भूषण, हॉट वाटर प्रॉब्लम? नो, इस बार कोल्ड वाटर प्रॉब्लम है। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। अरे बाप रे, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये लड़की, अरे किधर है यार? पीछे लड़की को खड़ा करके कौन लड़की, कौन लड़की बोल रहा है? जरा आके खोल कर देख। अबे कंट्री वंट्री पिए क्या? अरे बाबा, सामने लड़की खड़ी है और बोल रहा है कि लड़की कहाँ है, या तो मैं पागल हूँ या तू पागल है। अपनी शक्ल देख, यहाँ तेरे और मेरे अलावा और कोई नहीं है। कहता कोई नहीं है। मतलब तेरी दोनों आंखों की पुतलियाँ उल्टी हो गई है। यू ब्रेन डैमेज, नोबडी हियर, गो। एक्सक्यूज मी, साइड साइड। तू चली गई। जॉगिंग करने के बाद पेड़ पर बैठकर रिलैक्स करने का मजा ही कुछ और है, जो मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। करेक्ट सर। मुझे एक और बात समझ में नहीं आती। कौन सी? आपकी बेटी। क्या हुआ उसे? सर, हर बिन ब्याही लड़की शादी से पहले कहीं भी अपना दिल फेंक के आ सकती है। ये बात सचमुच बहुत डेंजर है, और ये सब होने से पहले ही कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करना, ये आपका फर्ज है सर। बाला, तुम सच में ग्रेट हो। मैं ही एक गधा हूँ, बेवकूफ, गैर जिम्मेदार और एकदम कामचोर। सन्यासी, आवारा, निखट्टू, नकारा, आलसी, नामाकुल। सन्यासी, आवारा, बेबस, डफर, लोफर, लफंगे। रुक 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 रुक। अरे मैंने गुस्से में आकर अपने आप को बेवकूफ क्या कह दिया? तू तो मुझे नॉनस्टॉप गालियां ही गालियां देता चला जा रहा है। सर, मैं ये सब आपको नहीं कह रहा था। मैं कह रहा था पैसे नहीं है। बस करो अब। पता है मुझे, कल्याणी के लिए अच्छा लड़का ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, कितना सारा ढाक दिया। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशा भैया। कैसी हो भैया? अच्छे है सर। तुम लोग यहाँ? इस बीच हम लोग दिल्ली में सेटल हुए, बच्ची होने पर हमारी मन्नत पूरी हो गई, इसलिए हम मंदिर आए हैं सर। आपको देखकर ऐसा लगा जैसे भगवान के दर्शन हो गए, इससे ज्यादा आनंद क्या हो सकता है? मुन्नी का नाम क्या? सरला नाम है। अक्षय तृतीया है, सोना मांगने नहीं गया था, आप जैसे दिलवालों के लिए खुशी मांगने गया था। प्रसाद ले लो जी। लो ले लो, सोचो मत। थैंक यू बाला, यू आर सो ग्रेट। बाला तो हमेशा से ग्रेट है। तुम मंदिर क्यों गए थे? वो क्या है ना सर, कल्याणी की शादी अच्छी तरह हो जाए इसलिए प्रार्थना की। आप लोग तो मुझे बस ग्रेट ग्रेट ही कहते रहते हैं। बाला सर, हमारी कल्याणी के बारे में तुम कितना सोचते हो? मेरी बेटी के लिए अच्छा दामाद ढूंढने के लिए सलाह देते हो तुम, और खुद मंदिर में जाकर मेरी बेटी की शादी की प्रार्थना करते हो। तुम मेरे लिए भगवान की सबसे बड़ी सौगात हो बाला। मेरे लिए लड़का देखने के लिए पापा से तुमने कहा? हाँ बेटी, कहा था, देख भी लिया मैंने। बाला चलो आओ देखते।
ये डॉक्टर अरुण है कैलिफोर्निया से। सुपर। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सुपर। ये हमारा करीबी रिश्तेदार है। सुपर। और ये डेंटिस्ट है, इसने मेरी बेटी से शादी करने का फैसला कर लिया है। सुपर। क्या सुपर सुपर लगा के रखा हुआ है, मेरी बेटी कल्याणी है, कोई पांचाली नहीं है। सर डेंटल ठीक रहेगा, वो डेंटल और आप मेंटल। मेंटल सेंटीमेंटल सर। करेक्ट। फिर तो इन्हीं में से फाइनल कर देता हूं। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हां जो तुम समझती हो वही मैं अपने आप को समझता हूं। बस करो, बस जी जी करने आता है। कृष्णा से मिलने का रास्ता तुमने दिखाया, कृष्णा के पास डांस करने के लिए मुझे तुमने भेजा, भैरवी कॉलेज में एडमिशन लेने की सलाह तुमने दी, कृष्णा को लव करने के लिए तुमने कहा, तुमने डुएट गाना गवाया हमसे, तुमने मुझे उसे पानी की उम्मीद दी, उसके करीब जाने को कहा, उसे आई लव यू बोलने को कहा। तुम्हारी वजह से मैं उसके प्यार में पागल हो गई, और अब मेरी कृष्णा के साथ शादी करवाने के बजाय मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हो। ये क्या डबल गेम है? क्या डबल गेम, बबल गम। मैंने तुमसे उसी दिन कहा था तुम प्यार करती जाओ और मेरा खेल देखती जाओ। एक तो मैंने तुम्हें हेल्प किया, ऊपर से तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, ये तुम मेरे साथ जाती कर रही हो। तुम्हारी लव स्टोरी लिखने में इस बंदे ने तुम्हारी हेल्प की। हेल्प? हाँ जी, तुमने जब प्यार किया है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा प्यार सामने तो आना चाहिए ना, वही काम मैंने किया है। अब तुम एक काम करो, अपने पिताजी के सामने जाकर अपने पवित्र प्रेम की पूरी किताब खोल डालो। अभी उनका ब्लड प्रेशर शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, पर्दा उठाकर असली ड्रामा दिखाने का ये सही वक्त है। अब जाओ जी। नारायण, क्या कहा तुम प्यार करती हो? किससे प्यार करती हो? जब दिल्ली में थी तब प्यार हुआ था? नहीं पापा, यहाँ। यहाँ? किससे? वो पापा मास्टर। मास्टर? भैरवी कॉलेज में जो डांस मास्टर है ना कृष्णा, मैं उसी से प्यार। क्या है ये? ये क्या है? मेरे कॉलेज में संगीत सिखाते सिखाते तू मेरी बेटी को प्यार का पाठ पढ़ाने लगा? हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मास्टर होते हैं, पर प्यार के लिए सिर्फ मन मास्टर होता है ना सर। उससे मेरी बेटी की शादी की बात करता है कि लड़का देखो, और खुद मेरी बेटी से इश्क लड़ा रहा है। तू डबल गेम खेल रहा है, तुझे तो गाली देना भी हराम है। सर आप टोटल रॉन्ग रूट पर जा रहे हैं। क्या कल्याणी ने कभी आपसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है? उसने अपने मुंह से कहा है कि वो मास्टर से प्यार करती है। तो मास्टर क्या, मैं अकेला ही हूँ? अरे जिस मास्टर से वो प्यार करती है वो मैं नहीं हूँ, वो एक डांस मास्टर है। डांस मास्टर? कौन सा डांस मास्टर है? भैरवी कॉलेज का डांस मास्टर कृष्णा। वो यहाँ पर कैसे आ गया? वो इधर नहीं आया था, कल्याणी वहाँ गई थी। कल्याणी वहाँ पर गई थी किस लिए? और किस लिए? प्यार का पार्ट पढ़ने के लिए। छी छी, डांस का पार्ट पढ़ने के लिए। कल्याणी भैरवी कॉलेज में डांस सीखने गई? क्या हमारे कॉलेज में डांस की क्लासेस नहीं है? नो नो, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आई विल नॉट अलाउ। क्यों नहीं हो सकता? अरे अगर आपको उस कॉलेज के चेयरमैन से कुछ प्रॉब्लम है तो क्या मैं वहाँ के मास्टर से प्यार नहीं कर सकती? कृष्णा उनका रिश्तेदार नहीं है, वो मेरा है। बस चुप करो। इतने सालों तक मैंने चाहा कि तू वहाँ नजर उठाकर भी न देखे, और तूने वहीं जाकर मुझे धोखा दिया। तूने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे जिंदा देखना चाहती है तो अपने प्यार को भूल जाओ। नहीं हो सकता। अगर आपने मेरी शादी कृष्णा के अलावा किसी और से करवाने की कोशिश की ना पापा, तो मेरी लाश देखेंगे। आप चाहे तो मुझे जान से मार डालिए, लेकिन कृष्णा ही मेरा पति होगा। 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 आप अपनी दुश्मनी के लिए कल्याणी की जिंदगी से मत खेलो प्लीज। आप जाकर कृष्णा से बात तो कीजिए। मैं उस कॉलेज में जाऊंगा? नेवर। अरे मेरी कार भी उस रास्ते से ना गुजरे इसलिए 15 किलोमीटर घुमाकर गाड़ी ले जाता हूँ, ऐसा आदमी हूँ मैं। मैं जाऊंगा। आखिर ये कैसी जिद है सर? भैरवी कॉलेज की चेयरमैन चामुंडेश्वरी उस कॉलेज को चलाने सिर्फ इसलिए आई ताकि मेरी बेटी को मुझसे दूर कर सके। सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चामुंडेश्वरी को तुम अभी नहीं जानते, अपने घर में शादी करवाने के लिए वो बाजू वाले घर में लाश तक गिरा सकती है। चामुंडेश्वरी कौन है पता है तुम्हें? वो मेरी पत्नी है। बहुत साल पहले हमारा तलाक हो गया था, और उस वक्त कल्याणी की उम्र क्या थी पता है? सिर्फ 2 साल। अहंकार की मिसाल है चामुंडेश्वरी।
और उसी अहंकार ने हमारे घर को आग लगा दी। उसके अहंकार ने हमें कोर्ट तक पहुंचा दिया तलाक के लिए। कोर्ट ने फैसला सुनाया, बड़ी बेटी उसके पास और छोटी बेटी मेरे पास रहेगी। अगर मैंने उस बेटी को भी खो दिया तो मैं तो जिंदा लाश बन जाऊंगा। अब बताओ तुम क्या कहते हो, क्या मैं जाकर अपनी बेटी को मौत के मुंह में धकेल दूं? सर आप अपनी बेटी का हाथ चामुंडेश्वरी को नहीं सौंप रहे, कृष्णा को सौंप रहे हैं। हिम्मत करके जाइए सर। सर आपकी बेटी रूम में सारा सामान तोड़ फोड़ रही है, पागलों जैसी हरकत कर रही है, मुझे डर लग रहा है सर, आप चलिए सर चलिए। नहीं कल्याणी, ऐसा कुछ मत करना। कल्याणी कल्याणी ऐसा मत करना, मत करना। कृष्णा चाहिए कल्याणी, मुझे कृष्णा चाहिए कल्याणी, कृष्णा कल्याणी ऐसा मत करना प्लीज। अरे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें लाश बनते हुए नहीं देखना चाहता। कल्याणी कल्याणी ऐसा मत करो, कृष्णा चाहिए कल्याणी, कृष्णा मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी शादी कृष्णा से करवानी होगी। जाइए कृष्णा को लेकर आइए, जाइए, मुझे कृष्णा चाहिए, मुझे कृष्णा चाहिए, कृष्णा। बाला 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 बाला। सर बाला सर चले गए। बाला चला गया? हाँ। लेकिन कहाँ चला गया? पता नहीं, आपके लिए लेटर छोड़ के चले गए। माफ कर दीजिए सर, आपकी बेटी को भड़का कर भैरवी कॉलेज में भेजा मैंने। कृष्णा के प्रति उसके दिल में प्यार जगाया मैंने, उसे प्यार करने पर मजबूर किया मैंने। ये सब मैंने क्यों किया अगर आपको जानना है तो भैरवी कॉलेज में जाकर चामुंडेश्वरी से मिलिए। नमस्ते सर, यहाँ कैसे आना हुआ सर? चामुंडेश्वरी। आइए आइए सर, आइए सर, अंदर जाइए सर, जाइए। आखिर बुला ही लिया। Yes. पहले मेरी बेटी को और फिर मुझे। यही है चामुंडेश्वरी। कई सालों बाद तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारी खूबसूरती कम नहीं हुई और ना ही तुम्हारा घमंड। हमेशा ऐसी ही रहेगी, अहंकार और खूबसूरती के साथ। बोलो किस लिए आए हो? मेरी बेटी को मेरे अलावा दुनिया में कुछ पता नहीं था, उसे तुमने प्यार का पाठ पढ़ा दिया। जिस कल्याणी के लिए मैं जीता था उस कल्याणी को तुमने यहां बुलाकर उसे मुझसे अलग करने की कोशिश की, उसका उस डांस मास्टर के साथ चक्कर चलवाया है तुमने। कल्याणी कृष्णा से प्यार करती है? तुमसे और मुझसे भी ज्यादा, वो जान से भी ज्यादा कृष्णा से प्यार करती है। कभी मां की हैसियत से तुम उसके करीब नहीं आ पाए और बाप की हैसियत से मैं दूर हो गया। कृष्णा कल्याणी की जान है, अगर कल्याणी को कृष्णा नहीं मिला तो कल्याणी आत्महत्या कर सकती है, इसलिए कृष्णा से बात करके तुम मेरी बेटी को जीवन दान दे दो। मेरी दुश्मनी का गुस्सा तुम मेरी बेटी पर मत निकालो प्लीज। कृ
कृष्णा से मेरी बेटी की शादी करवा दी। तुम्हारी नजर में कृष्णा होगा, कल्याणी की नजर में प्रेमी, पर मेरी नजर में तनख्वाह लेकर काम करने वाला मामूली डांस मास्टर। जो मैं कहूंगी वही करेगा। नो, ये नहीं हो सकता। चामुंडेश्वरी की बेटी की शादी कृष्णा से ही होगी, ये मेरा फैसला है। कृष्णा, ये तो हमारे बालाजी है। कृष्णा, मेरे कॉलेज में डांस मास्टर। हेलो यू मैडम, छोटा सा चेंज, जो काम करता है वो कृष्णा नहीं, जो काम करता था वो कृष्णा। मतलब वो क्या है ना चामुंडेश्वरी देवी जी, जिस काम के लिए आया था मेरा वो काम हो गया। आई एम गोइंग नाउ, इस पल के बाद आपसे और आपकी सालत से गुड बाय। ठहरो, डांस मास्टर का फर्ज निभाया, ओके फाइन, पर एक फर्ज अभी बाकी है, मेरी बेटी के पति होने का। होने वाला पति, वो भी आपकी बेटी का? वो लड़की कौन है भाई? कल्याणी। कल्याणी आपकी बेटी है? यस, ये कल्याणी के पिता हैं। अच्छा, तो ये आपके पति हैं? चेयरमैन ऑफ कल्याणी म्यूजिक कॉलेज। सी मिस्टर चेयरमैन, आपकी बेटी से मैं प्यार करता हूं ये किसने बताया? मेरी बेटी ने मुझसे कहा, अगर तुम हां नहीं कहोगे तो वो आत्महत्या कर लेगी, प्लीज मेहरबानी करो। गिड़गिड़ाओ मत मिस्टर कृष्णा, तुम्हें कल्याणी से शादी करनी ही होगी। सॉरी मैडम, आपकी बेटी की तरह न जाने कितनी लड़कियां मुझसे प्यार करती हैं, पर मैंने किसी से प्यार नहीं किया। अगर मैं सबसे प्यार करने लगा तो वोटों की गिनती की तरह प्रेमिकाएं हो जाएंगी मेरी। मैंने कल्याणी से प्यार व्यार नहीं किया। झूठ बोलते हो, तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो, इसका गवाह है हमारा मास्टर बाला। बाला हु इज ही? हमारा संगीत मास्टर। हेलो, मैं क्रिश, कृष्णा, कृष्णा सरला सुब्रमणी। मैंने कल्याणी से प्यार किया तो बाला से कहोगे मेरे सामने आकर बोले, उस बाला को बॉल की तरह, बॉल बॉल की तरह खेलूंगा। कहाँ है, जाओ बुला उसे। चला गया। कहाँ चला गया, क्यों गया, किसी को पता नहीं। सर, क्या बात कर रहे हैं सर, क्या मैं आपको छोड़कर जा सकता हूँ सर? ये बाला भागने वालों को पकड़ने वाला है, भागने वालों में से नहीं है सर। यही है हमारा बाला। ये है बाला? हाँ, मैंने सोचा था देखने में ऐसा लगता है, पर बातें भी बिल्कुल वैसे ही करता है। नो मैडम, आई एम 100% क्रिश, कृष्णा, कृष्णा सरला सुब्रमणी। मैं डांस करने वाला हूँ, गाना गाने वाला नहीं हूँ। He's confused. No, I am not confused. सर, इसका मतलब आपको मेरे बारे में नहीं मालूम, गाने वाले को रात के बारे में नहीं मालूम, ऐसा लगता है सर। यस यस, यही है, यही बाला है। ओह गॉड, ये क्या ड्रामा है, हो इस बाला हो इस कृष्णा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। व्हाट मैडम, ये कृष्णा आपके सामने खड़ा है ना, कृष्णा को कृष्णा ना समझना इस फूलिशनेस। नो, तुम ही बाला हो और कृष्णा की तरह नाटक करके हम दोनों को बेवकूफ बना रहे हो तुम। बोलो, हु आर यू, तुम डांस मास्टर हो या संगीत मास्टर हो? इधर डांस मेरा, उधर गाना मेरा, उधर बाला बनकर संगीत सिखाने वाला मास्टर मैं ही हूं, और कृष्णा बनकर इधर डांस सिखाने वाला मास्टर भी मैं ही हूं। कल्याणी को प्यार की तरफ धकेलने वाला मैं ही हूं, और प्यार से अपनी तरफ खींचने वाला भी मैं ही हूं। बस कर, बस कर, बस कर, चुप। आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? वहां बाला, यहां कृष्णा, ये सब नाटक क्यों कर रहे हो तुम, बताओ? तुम लोग मुझे बाला और कृष्णा की हैसियत से देख रहे हो, पर हम दोनों के अलावा एक और व्यक्ति भी है, जानना चाहोगे वो कौन है? हमारा हॉस्टल, ये
की हॉस्टल की वार्डन है और ये भैरवी संध्या हाय हाय रीमा हाय हाय हेलो और ये सब मेरे फ्रेंड्स हाय भैरवी वो देखो आगरा कॉलोनी ए ये नरसिम्हा कहाँ है बता कहाँ है वो हरामखोर नरसिम्हा उसने हमारे सीनियर साहब की दूसरी पत्नी की दोनों टांगों और नो एंट्री का बोर्ड तोड़कर भाग गया अलग कहाँ है वो सरलामा सरलामा चुप रे गधे की तरह क्यों चिल्लाता है पुलिस आई है नरसिम्हा को पकड़ने के लिए वो नहीं मिला तो उसकी बीवी को पकड़ के ले जा रही है उसकी ऐसी की तैसी अभी देखती हूँ कैसे ले जाएगा उसको सब जगह ढूंढा वो नहीं मिला मोबाइल की घंटी बज रही है जवाब नहीं दे रहा है अच्छा तो नो रिप्लाई मतलब वो अड्डे पे बैठा है वो देखो वो बाला जिसके बारे में बताया था अरे अरे लाओ ना धीरे धीरे संभल कर अरे ये तो घोड़े बेचकर कुंभकर्ण की तरह सो गया है सो रहे हो बेटा दोनों को दिखता नहीं है वो सो रहा है मेरा बेटा सो रहे हो बेटा एक मिनट अगर मेरे पिताजी ने गलती की है तो आप मेरे माँ को ये पुरुष का रूल है अगर पत्नी गलती करे तो पत्नी को और बेटा गलती करे तो बाप को पकड़ कर ले जाओ उठ गया क्या बाला कल जम के पी क्या अबे 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 रात को जो पी थी वो चढ़ी नहीं सुबह जो पी थी वो अभी उतर गई वहाँ सर में वो दर्द हो रहा है क्या नहीं क्या डिस्प्रिन मंगाओ तुम जैसे कहते हो कि वैसे भाई लोग के सर में दर्द होता है उसकी सिर्फ एक ही दवा है और वो है ये हैंगओवर का पेग है यारे प्यासे बेड़ों की तरह क्या देख रहे हो अरे मैं पुलिस वाले मेरी बीवी और बेटी को बालिया जाओ जाके पुलिस वाले को अपना ब्रेक दिखा दो अरे ब्रेक क्या अभी क्लच दबा के गियर में डाल के एक्सीलरेटर दे दो और गाड़ी चला देता हूँ ओके छोड़ दो आएगा देखना गाड़ी में डाल इसको पुलिस वाले पे हाथ उठाता है छोड़ूंगा नहीं अब देखो ये यू देखा तुम तो कह रही थी कि ये सुपर पॉप सिंगर है टॉप का डांसर है ये तो मुझे कोई मवाली लगता है आ, लोफर जंगली कहीं का भैरवी बाला के बारे में सब कुछ कोर्ट में पता चलेगा हाँ ठहरो ठहरो यहीं ठहरो बैक बैक योनर ये नरसिम्हा है इसने रात को शराब पीकर अपनी साइकिल से सर्कल इंस्पेक्टर की पत्नी भाटिया दूसरी पत्नी कंडक्टर सर ए चुप बैठो रात में शराब के नशे में धुत तुम ही साइकिल चला रहे थे ना पी के साइकिल चलाई थी सर्किल इंस्पेक्टर की पत्नी की टांग मैंने ही टोका था नो एंट्री का बोर्ड तोड़कर भागने वाले वहां से तुम ही थे ना पी के अबे क्या पका रहा है तू चढ़ी हुई उतर जाएगी देख लिया मेरा बेटा तो शेर है सर बिना मतलब के बहस करने का फायदा नहीं जो सजा सुनाना है सुना डालो ज्यादा बात करने की सजा क्या है तुमको पता है कौन सा जुर्म करने पे कौन सी सजा लगती है मेरे को सब मालूम है अगर खून करते हैं तो आईपीसी 302 के तहत हत्या करने की कोशिश करते हैं 306 अगर रेप करते हैं तो 376 और अगर चीट करते हैं तो 420 अगर पब्लिक प्लेस में हंगामा करते हैं तो पब्लिक न्यूसेंस 160A 294 बी अगर पीकर भगते हैं तो 41J कोर्ट में ज्यादा बोलने से भी सजा मिलती है अभी मेरे केस में सब सजा मिलाकर कम से कम पूरी सजा 50 दिन की लगेंगी 3000 से भी ज्यादा फाइन लगेगा कल तक तो 2500 था अभी थोड़ा बढ़ा दिया है क्या है ना महंगाई बढ़ गई ना अरे सर उस किताब में देखने से कोई फायदा नहीं वो पुरानी किताब है नए रेट की किताब अभी तक मार्केट में आई नहीं है इंडियन पिनल कोड को पूरा रट लिया हूँ मैं मुंह जुबानी है मेरे को हाँ देखा अब जस्टिस चौधरी का मुंह बंद हे गुरु इधर अरे जूनियर डॉक्टर से ज्यादा पेशेंट जानता है कि बीमारी क्या है उसी तरह से
जूनियर जज से ज्यादा ये सीनियर कैदी जानता है। कटघरे में खड़े मुजरिम बाला को 2 महीने की सजा सुनाई जाती है। ताली 2 महीने की लगी है। चलो बालिया, साइकिल चलाकर टक्कर मैंने दी। 1 हफ्ते बाद लड़के वाले मेरे बेटी को देखने आने वाले हैं। उसकी इज्जत तुमने बचा ली। मेरे लिए पुलिस से पंगा लेकर तुमने मुझे बचा लिया, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। हम कितने भी जन्म ले लें लेकिन तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलेंगे। रुको रुको रुको, ये एहसान भाई कौन है? ये मैं नहीं जानता, मैं तो मेरी माँ को जानता हूँ। ओके अरे चलो रे। देख लिया बाल्या को? मेरा सोना बेटा क्यों रो रहा है? मुझे दादाजी की याद आ रही है, मुझे उन्हें देखना है। देखना है? शायद किसी पिक्चर का नाम है। दादाजी को देखना है तो उनको बुला के देख ले बेटा। कैसे बुलाऊं? कहाँ गए वो? अरे वो मर चुके हैं। अरे ये क्या हुआ? कैसे मर गए वो? अरे भाई, एक नीच आदमी ने मेरे दादाजी को मार डाला। मार डाला? कौन है वो? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। कौन है वो? भाई वो नीच आदमी मैं हूं। तूने बोला दादाजी याद आ रहे हैं, मुझे देखना है। खुद भी रोया, मुझे भी रुलाया। तेरी तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे तुम्हें मार के ऐसा। अबे एक सजा तो इसे मिल गई ली है, अभी तो दूसरी देने वाला कौन है? ए! नया नया जेल में आकर नई नई बात कर रहा है तू? हाँ, मेरे बारे में अगर जानना है तो जेल में किसी से भी पूछ ले। फर्स्ट हाफ में सीधा साधा धिनता ता धिनता ता धिनता ता ता, सेकंड हाफ में विक्रम विक्रम राठौर। क्या सब हाफ ही है, पूरा खंबा नहीं? ए! बहुत बोलता है, मेरे बारे में पहले जान ले फिर बात कर। हाथ छोड़। हाथ नहीं छोड़ा तो क्या उखाड़ेगा? क्या करूंगा मुझे पता नहीं। हाथ छोड़। क्या तोड़ लेगा बोल? क्या करूंगा मुझे पता नहीं। अबे क्या उखाड़ेगा बोलना? क्या करूंगा मुझे पता नहीं, मेरा हाथ छोड़ दे। अरे मेरा हाथ कहाँ गया? मेरा हाथ कहाँ गया? मेरा हाथ कहाँ गया? ये तुम सब लोग क्या कर रहे हो? मेरे बिना यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। 4 दिन में यहाँ पर जिंदगी नरक हो गई। यहाँ पर मुझे बेचैनी हो रही है। मुझे सीधा यहाँ से निकाल कर तिहाड़ जेल में शिफ्ट करो। सारे मिनिस्टरों को राजीनामा देने के लिए कह दो, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा और सबको अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा। मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, तुम इतनी भी जल्दबाजी मत करो। तुम्हारा सारा प्रॉब्लम बड़े भाई को पता है, सिर्फ 2 दिन इंतजार करो। इस जेल से तिहाड़ जेल में भेजने का इंतजाम मैं करूंगा। इस जेल में तू ही किंग है, बहादुरी दिखा। यहाँ जितना दंगा फसाद करना है कर ले, तब शिफ्ट होगा। मुंह बंद। ये देख बाला का होटल। सलांटी धरवी आपसे मिलने आई है। मुझे आपसे बात करनी है। आओ अंदर बैठो, मैं इस गांव में सिर्फ आपकी कॉलोनी देखने आई हूँ। क्या हमारी कॉलोनी के लिए? मुझे पता चला है कि आपके कॉलोनी में हमेशा नाच गाना होता है, खुशियाँ मनाई जाती है, और यहाँ का हीरो आपका बेटा बाला है। मेरा बेटा बाल्या बाल कृष्ण की तरह है। ये कॉलोनी उसके लिए वृंदावन है और यहाँ के लोगों से बहुत प्यार करते हैं। और मेरा बाल्या जहाँ जाएगा वहाँ खुशियाँ ही होगी। और आपके बेटे की कुछ बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जहाँ पे बुराई होती है वो अच्छा बन जाता है, और जहाँ पे अच्छाई होती है वो फिर से बुरा इंसान बन जाता है, ऐसा क्यों? उसकी आदत है बेटी। आदत है? हाँ बेटी, मैं जब संगीत मास्टर बाल मूर्ति कृष्ण के पास उनके घर में खाना बनाने जाती थी, तभी बाल्या बचपन से उनका संगीत सुनता था, और वही सब सुनकर बाल्या अच्छा संगीत मास्टर बन गया। हाँ बेटी, और फिर मैं नर्तकी शिरोमणि के पास चली गई, तो वहाँ उसने डांस भी सीख लिया, और उसे खुद ही पता नहीं चला कि उसने नाचना गाना कब सीख लिया। और बाला कृष्णमूर्ति ने बाल्या को अपना शिष्य बनाया, और फिर बाद में बाल कृष्णमूर्ति ने बाल्या की जन्म कुंडली भी बनाई। जन्म कुंडली में जो जो लिखा था वो सब कुछ होते जा रहा है। आज बाल्या को कोई भी चीज की कमी नहीं है। बाल्या को तो अन्याय से बहुत ही नफरत है, गरीबों का दाता है, और मैं तो उसकी जान हूँ। जब आपका बेटा आपको जान से भी ज्यादा प्यार करता है तो आप उसे शराब छोड़ने के लिए क्यों नहीं? ये पीने की आदत उसे अभी अभी पड़ी है बेटी, और अपने आप ही छूट जाएगी, ऐसे उसके जन्म कुंडली में भी लिखा है। मेरे बेटे की तो बहुत बड़ी और अच्छी भविष्यवाणी है, बहुत बड़ा इंसान बनेगा,
उसकी जन्म कुंडली में राजयोग है। इस जेल में तू ही किंग है, बहादुरी दिखा, यहाँ जितना दंगा फसाद करना है कर ले, तब शिफ्ट होगा। ए, इधर आ, चल बटन लगा। साले बटन लगाना नहीं आता, चल। ए, उतर। ए, क्या है? क्यों रे, तूने कैदियों के खाने में मट्टी क्यों डाली? इधर आओ। तुमने राजा गुंडे को सबक सिखा के बहुत अच्छा काम किया, इसलिए सरकार ने तुम्हारी सजा माफ कर दी। इसी 1 तारीख को तुम्हें छोड़ देंगे, वो भी कल। सर 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 रुकिए सर, रुकिए सर, एक मिनट सर, मैं भी 1 ही तारीख को रिलीज हो रहा हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि अगले साल हो रहा हूँ, तो आप मिलने के लिए अगर अपना एड्रेस और फोन नंबर दे देंगे तो आपसे मिल सकता हूं। मैं मनमोहन सिंह हूँ और तुम मुशर्रफ है, हम लोग आपस में बैठ के मीटिंग करेंगे और इंडिया और पाकिस्तान के मसलों का सोल्यूशन निकालेंगे। चल इधर आ रहे।
हो जाए तो ना घबराना, सबको देख लेंगे। कभी कुछ हो जाए तो ना घबराना, सबको देख लेंगे। मुझे जो भी मिला मेहनत से मिला, मुझे जो भी मिला रे। घटेगी छाव न हटेगी मेरी ये दिल रुबा है। बचपन के वो दिन थे बड़े ही रंगीन, कभी भुला न पाए रे। जो जहाँ जाना चाहे उसे कोई भी न रोके। ये महीने तो यही है दस्तूर, ले जाना जो यहाँ प्यार है भरपूर ममता की मूरत रे। कभी कुछ हो जाए तो ना घबराना, सबको देख लेंगे। रंग लाएगी ताकत हमारी खून पसीने से। यहाँ जो भी मिला मेहनत से मिला, यहाँ जो भी मिला रे। बस्ती से बिना प्यार के कोई न खाली जाता। ना करूं झूठा वादा, न करूं मैं बहाना, ना करूं झूठा वादा, ना करूं बहाना। मुझे जो भी मिला मेहनत से मिला, मुझे जो भी मिला रे। ओके ओके। कभी कुछ हो जाए तो ना घबराना, सबको देख लेंगे। कभी कुछ हो जाए तो ना घबराना, हमें जो भी मिला मेहनत से मिला, हमें जो भी मिला रे। ओके 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 ओके। तुम लोग ईश्वरी, ये सब क्या है? अरे बेटी, इसे क्या हुआ बताओ? ये जहाँ काम करती है वहाँ की मालिक के बेटे से प्यार करती है। अभी ये प्रेग्नेंट है और लड़की ने इसे धोखा दे दिया। वो अपने बाप के डर से कहीं और शादी कर रहा है, इसीलिए जिसने इसे धोखा दिया है और कहीं और शादी कर रहा है, उस धोखेबाज को जाकर मारो। उसे चप्पल से मारकर उसी के हाथों से इसे मंगलसूत्र पहना। करेक्ट बोली बेटा बालिया, जल्दी जाओ। ठहरो, शादी एक पवित्र बंधन है, वहाँ पर शराब पीकर जाने से गड़बड़ हो सकती है। ये सब लेडीज का मैटर है और हम लेडीज ही इसे सॉल्व करेंगे। लेडीज पावर क्या होता है ये हम उन्हें अच्छी तरह से समझाएंगे।
अरे हम वर्कर लोगों की तरफ से हमारे मालिक के बेटे को एक छोटा सा तोहफा, एक मामूली सी शर्ट स्वीकार करें। मेरे मिल के धागे से, मेरी ही मशीन से इसे सिलाई करके, मेरे ही कवर में डालकर मेरे ही बेटे को मेरे ही सामने शादी में गिफ्ट दे रहे हो? मेरे वर्कर इतने कमीने हैं मुझे आज पता चला। ए, बड़े लोगों के आने का टाइम हो गया है, जाओ जाओ, तुम इसे पीछे जाके बैठो, वहां दूर जाओ। ए, खाने के लिए ऊपर के डाइनिंग हॉल में मत जाना, नीचे नीचे जमीन पे बैठ के खाना, जाओ 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 पीछे जाओ। ऐसा क्यों कर रहे हो? लेबर है, इनसे ऐसे ही बात करनी चाहिए, कुर्सी पे बैठकर अगर खाना खाएंगे तो इनकी आदत बिगड़ जाएंगी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अरे बेटी, माँ यही वो लड़की है। चुप रहो, आपके लड़के ने इस लड़के से प्यार का नाटक करके इसे प्रेग्नेंट बनाकर इससे शादी का वादा करके किसी और लड़के से शादी कर रहा है। तुम लोग इस तरह शादी में हंगामा मत करो, तुम लोगों को जितना पैसा चाहिए यहाँ से लेके तुम लोग चले जाओ। इस लड़की को अगर पैसों की जरूरत होती तो जितना चाहे मैं इसे दे सकती हूँ, पर इस लड़की को इस वक्त एक जिंदगी चाहिए जो सिर्फ आपका बेटा दे सके। ए, मुंह बंद कर, वो एक लेबर की बेटी है जो मेरे फैक्ट्री में काम करता है, रायडू के फैक्ट्री में। ये बात आपके बेटे को भी सोचना चाहिए था, इसमें गलती इसकी भी है। ऐसी गलती? ये गलती बल्कि सब कुछ लड़की को सोचना चाहिए। अरे किसी भी मेडिकल शॉप में फ्री में मिल जाता है निरोध, अगर ये लड़की लड़के को सलाह देती तो पेट से नहीं होती। मैं जानता हूँ लड़की को मेरा बेटा नहीं पैसा चाहिए, पैसा, इसलिए मेरे बेटे के सामने कपड़े निकाले। आप चुपचाप यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। तेरे जैसी बड़ी बड़ी बातें करके, बोल वचन करके लोगों को डराने धमकाने वाले लोग मैंने बहुत देखे ले अपनी जिंदगी में, समझा? कौन है रे तू? लेबर, मामूली सा मजदूर। एक ही डायलॉग में तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब तू बड़ा डेंजर आदमी है। खाली दिखने में नहीं बिड़ू, एक्शन में भी बहुत डेंजर हूँ मैं। पीता हूँ मैं रॉयल चैलेंज और तेरे जैसे को देता हूँ खड़े खड़े चैलेंज। ए, आखिर तू लेबर है, तू क्या मुझे चैलेंज करेगा? ये लेबर लेबर जो तू बार बार बोल रहा है ना, इसी लेबर की वजह से तू इतना बड़ा सेठ बन गया और तू उन्हीं को आग दिखाता है। हाँ, हाँ, हाँ। तेरी फैक्ट्री खोलने से लेकर तेरी जिंदगी बंद करा ना, इन लेबर के हाथ में, समझा? और ये लेबर की हट गई ना तो तेरी लुटिया डूब जाएगी। हाँ। और ऐसे लेबरों की तू बेइज्जती करने की बात करता है? चुपचाप हमारे लेबर की बेटी की शादी करवाता है या मैं करवाऊं, बोल। मतलब शादी 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 और क्या? ओके, प्यारे लेबर जरा इसे समझाओ। ए राडू, हम लेबरों को नीचा मत समझना, समझा ना? ये हुई ना बात। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो चुपचाप ये शादी करवा दो, वरना देखना तेरी जिंदगी भी वैसी हो जाएगी जैसे साइकिल पे कपड़े बेचने वाले तेरे पिता की थी। और सुनो, मुझे सब कुछ पता है कि तुमने कहाँ से शुरुआत की थी। ये हुई ना बात। ए, ऐसा क्या देख रहा है? भूल गया एक जमाने में तेरी माँ भी सेल्स गर्ल थी? याद आया क्या? अगर आज और अभी तुमने ये शादी नहीं करवाई तो ये फैक्ट्री कभी नहीं खुलेगी और ना ही कभी हम लोग खुलने देंगे उसे। आवाज आवाज आवाज, मेरे को और आवाज चाहिए, जोर से बोलो बालो। ए चप्पू, शादी या फैक्ट्री बंद? अरे राइडू, अब क्या सोच रहे हो? यहाँ बुलाकर हमारी बेइज्जती तो करा दी, अब अपनी इज्जत तो बचा लो, इस लड़की से अपने बेटे की शादी करा के अपनी फैक्ट्री बचा लो, चलो। आओ बेटा, ये शादी हम करवाएंगे। हम भी चलें। ये सब तू क्या देख रही है? असली शादी मैं करवाऊंगा, चल। सिंपली ब्यूटीफुल। इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कला किस तरह से छुपी रहती है ये इंसान को देखकर लगता है। गुरु के पास डांस सीखकर भी इतने टैलेंट किसी में नहीं होती। बाला के अंदर जो टैलेंट छुपा है, अगर मैं उसे बाहर लेकर आऊं तो दुनिया वालों को एक बहुत बड़ा डांसर देने में कामयाब हो सकती हूँ और मेरा सपना भी पूरा होगा। अगर तुमसे एक सवाल करूं
जवाब दोगे? सवाल सवाल करो, उसका जवाब एक ही मिलेगा। अगर शराब और गुंडागर्दी छोड़ दो तो तुम कितने बड़े आदमी बन सकते हो? क्या बोली, गुंडागर्दी छोड़ दो? अच्छा एक बात बता, गुंडागर्दी छोड़ के करूँ क्या? जब भी देखो मारपीट करते रहते हो, तुम क्या सोचते हो इस शहर के बहुत बड़े दादा? हाँ हूँ दादा, अच्छे लोगों के साथ या लेबर के साथ होते अन्याय को नहीं देख सकता मैं, अन्याय करने वालों के हाथ पांव तोड़ दूंगा मैं। यहीश बालिया है। मतलब तुम मारपीट और हिंसा नहीं छोड़ सकते? नहीं, इस 2007 के जमाने में जो पुजारी होता है ना, वो मंदिर की हुंडी चुरा के भागता है और गेटअप चेंज करके दूसरे मंदिर में चला जाता है। उस पुजारी की वावा और ऊपर वाले की भी वावा। पुजारी होकर ऐसे गलत काम करते हैं, ये तो गलत बात है। नहीं, कुछ गलत बात नहीं है, ऐसे ही चलता है। कौन से भगवान के बाद हथियार नहीं बताओ? शंकर के बाद त्रिशूल, विष्णु के बाद चक्र, हनुमान के पास गदा, इन सबको छोड़ इन सबसे बड़ी माता दुर्गा माता, उनके एक हाथ में त्रिशूल और पैरों में एक राक्षस पड़ेला जिसको उन्होंने टपका दिया है। ऐसे ही चलता है, देश स्वतंत्र हो गया तो क्या, कुछ नहीं होने वाला है। राक्षस भाई लोग को भगवान ने टपकाया, तो आज के गलत काम करने वाले भाई लोग को मैं नहीं टपका सकता क्या? ओके ठीक है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है, इसलिए तुम मेरे सामने किसी और पर हाथ नहीं उठाओगे। क्या बोले, जो तेरे को पसंद नहीं वो मैं नहीं करूं? चलो आ? मैं तेरे सामने किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा। ओके दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में रमाई, काय को दुनिया बनाई। क्या हुआ सर? जिस लड़के ने हंगामा किया था वो इस कॉलोनी के नहीं है, आज वो हॉस्टल में पार्टी देने वाली है। ए, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरा बेटा चाहिए, जाओ सबको काट कर फेंक दो। चल रहे हैं, चलो। तुम डरो मत, आओ मेरे साथ। तुम लोग उस तरफ जाओ, तुम लोग यहाँ छुप जाओ। देखो पकड़ो उसे। ए चाबी इधर दे, इधर दे। देख चाबी उसने अपने लॉकर में डाल दी। अरे उस लॉकर के अंदर से चाबी मैं ही निकालूंगा। तुम नहीं, मैं निकालूंगा। नहीं मैं निकालूंगा। नहीं मैं निकालूंगा। नहीं मैं निकालूंगा। एक लड़का लड़की की जिंदगी बचाने के चक्कर में तेरी इज्जत खतरे में पड़ गई थी, अब तेरी इज्जत तो बचानी पड़ेगी ना। फाइटिंग तेरे को पसंद नहीं है, पर तेरे को बचाना तो पड़ेगा ना, तो अब क्या करूं मैं? मारपीट इन लोग का खाना है, इनको खिलाना पड़ेगा ना। मैं अन्याय करने वालों की आरती नहीं उतार सकता मैं, तो मैं क्या करूं? कोई अगर पीछे से वार करे तो उसका जवाब देना चाहिए, डांस नहीं करना चाहिए। अब क्या करूं मैं? अरे अभी तो मान ले कि इन जानवरों से प्यार से नहीं हाथ से बात करनी पड़ती है। फाइटिंग करने के लिए अभी परमिशन दोगी ना? हाँ लेकिन फाइटिंग करने वाला तो यहां कोई है ही नहीं। हाँ सबको सुला डाला। सॉरी सबको सुला डाला। Bye, 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 bye.
देखो देखो मजा मजा। बोलो 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 मजा है क्या? ये उंगली को देखो क्यों इसमें है बता दे। तू मेरे करीब आ जा क्यों इसमें है बता दे। ए, देखो 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 मजा मजा। ऐसी तुम ना देखो मजा है क्या? और कर ले मजा। दिल फिर भी ना माने ना मुझे प्यार हो गया क्या? सर चकराया मेरा ये मजा मजा मेरा ले तलचा। देखो 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 मजा मजा। ऐसे तुम ना देखो मजा है क्या? प्यार का झोंका ना छोड़िए मौका। बाहों को चूमने प्यासा है ये मजा मजा। इसमें है क्या नहीं कोई मुझे शंका। बाहों में मुझको भर के डाले मजा मजा। ना ऐसा तू करना ओ मेरी जाने जा। इकरार तो करती जा महारती तो मैं और खिलाड़ी गुंडा। ऐसी तुम ना देखो मजा है क्या? दे दो दे दो दे दो मजा मजा। क्यों इसमें है बता दे। क्या है इसमें बता। क्यों इसमें है बता दे। तुझे चाहिए क्या पता। देखो 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 मजा मजा। चला गया। मेरा बेटा उस लड़की के साथ दिल्ली में सेटल हो गया। वो दूर चला गया पर मैं नहीं छोड़ूंगा। वो वर्कर के लीडर और हॉस्टल वाली लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा। कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? बाला के बारे में मुझे कल सब कुछ पता चल गया पर मेरे बारे में उसे कुछ भी पता नहीं। इसलिए मैं एक पार्टी देना चाहती हूँ। कब? कल। कल तुम क्या? अगर तुम्हारी मम्मी की मम्मी भी बोलेगी ना तो बाला नहीं आएगा। चुप रे। वहां रुको मैं बताता हूँ। कल क्या है ना हमारी सरला माँ का जन्मदिन है। अच्छा तो आपके जन्मदिन की पार्टी का इंतजाम मैं करूंगी। क्या मेरा जन्मदिन तुम मनाओगी? आप अपने जन्मदिन की पार्टी में बाला को जरूर लाइएगा। मैं अपने दिल की बात उसे बताऊंगी। प्लीज आंटी। ठीक है बेटी मैं उसे ले आऊंगी। थैंक यू सो मच। इस तरह से घूर घूर के क्या देख रहे लीमा? वो क्या है ना बेटा कल मेरा जन्मदिन है। क्या भैरवी? वो मामूली भैरवी नहीं है माँ पाताल भैरवी है। मेरे से वर्कआउट नहीं होगा छोड़ दे माँ मैं नहीं आऊंगा। भैरवी अगर पाताल भैरवी है तो तू भी कुछ कम नहीं है। तू तो जंगल का शेर है। हाँ इसमें से पकड़ो। क्या माँ आखिर में उस लड़की वही जीता डाला ना तुमने। Hey, hey.
कैसी लग रही हूँ? वाला वो मुंह बंद बेटा, अपनी एक्स्ट्रा एंट्री देकर इसको चौका डालो। सूट बूट में कैसा लगता है जरा देख तो ले। तेरे लिए बड़ी बिनती करके पहना कर लेके आई हूँ। जरा लड़की का हाथ तो पकड़ ले। माँ लेकिन टंकी में कुछ गया नहीं अभी तक। हाँ पकड़ लो पकड़ लो। ओके कमान कमान। अरे देखो कैसी लग रही है जोड़ी। सुपर जोड़ी है। कौन है वो? मेरा बेटा। अरे सर कैसी लग रही है जोड़ी? एकदम सुपर हीरो लग रहा है। अरे कौन है? वो मेरा बेटा है। सर नमस्ते सर। कैसी लग रही है जोड़ी? बहुत अच्छी जोड़ी है। लगता है लड़का बहुत ही पैसे वाला है मैडम। वो लड़की तो बहुत ही पैसे वाली है। करोड़पति है, लंदन में फैक्ट्री वगैरह है, बहुत बड़े बड़े डांस क्लासेस भी है। अच्छा अच्छा ये बात है। अरे मेरे बेटे को मेरी ही नजर ना लगे, घर जाकर सबसे पहले उसकी नजर उतारूंगी। जरूर उतारना। वो भगवान जो है अन्याय करने वाले मेरे जैसे राक्षस इंसान का भी कभी कभी भला कर देता है। ए, मेरे बेटे की शादी एक कुली के बेटी के साथ करवा दी और यहाँ एक लंदन की लड़की लेबर के साथ। अर्जेंटली ये लोकल मैटर लंदन में ISD करके उसकी माँ को बताता हूँ। ये सब क्या है? बर्गर स्लाइसेस इटालियन डिलाइट। अरे ये क्या इंग्लिश फिल्मों के नाम सुना रही हो क्या? बाला ये सारी फॉरेन डिशेस है, बहुत टेस्टी है। अरे खाओ ना। हमें वो खाना चाहिए जो हमें पता है, जिसके बारे में नहीं जानते वो खाना नहीं खाएंगे हम। अरे हम लोग खाना बनाते टाइम नीचे आग लगाते और तुम लोग खाना बन जाने के बाद नीचे आग लगाते हो, ये कौन सी स्टाइल है? खाना तो हमारे मुल्क का होता है समझी, मटर पनीर दाल मखनी पनीर कुरमा मलाई कोफ्ता बिरयानी और ना जाने क्या क्या, इन सबको मिलाकर अगर खाए तो नशा होता है नशा। और अगर मेरी माँ के हाथ का हो तो अमृत बन जाएगा, अमृत आसानी से हजम हो जाएगा। सुपर स्टार्ट द म्यूजिक। ये कोई म्यूजिक है? हाँ। ये मेरी माँ है और ये उसका सुपरस्टार बेटा। अभी मैं बताता हूँ गाना क्या होता है। तू तो आके लग जा गले नागिन बनके ओ जाने, चूम कर तुमको हो जाऊं जाने जा मैं दीवाना। तू तो आके लग जा गले नागिन बनके जाने, चूम कर तुमको हो जाऊं जाने जा मैं दीवाना। दे दे ओ दे दे मम्मा कुछ भी नहीं रूंगी, शादी करा दे मेरी मुझे है मन। तो आके लग जा गले नागिन बन के ओ जाने जा। स्टाइल देखो, इसकी स्टाइल देखो, इसका गॉगल देखो,
जाऊं ना तो इधर उधर बिना बोले, देखूं उसे कहूं किसे दिल ना माने, रोजाना कहूं तुमको जो होना है वो रब जाने, चुप चुप कुछ भी ना होगा होगा सब सरे आम रे, इस दिल में आ जा रे ना कहना कभी ना, ना पंगा ना लफड़ा ना ऐसी कैसी कोई चले जा तो आके लग जा गले नागिन बन के ओ जाए, चुम कर तुमको हो जाऊं जाने जा मैं दीवाना, बुलबुल ओए बुलबुल ओए मेरी बुलबुल, बुलबुल ओए बुलबुल मेरी बात तो सुन ले, ले जा रे मुझे ले जा रे, ले जा रे मुझे ले जा रे, सारा जहां एक तरफ जब आए मेरी माँ, कसम मुझे उसकी है वो सबसे जुदा, शांति मुझे मिलती है माँ के आंचल में, माँ मेरी है चारों धाम, पूजा करूँगा मैं सरेआम, माँ मेरी है भगवान, पूजा करूँगा मैं सुबह शाम, बिन बोले मेरी जान ना चोरी ना चुपके बहु बनना, देखो देखो लाखों में है मेरी माँ, तू तो अकेला जा गले नागिन बन के हो जाने जा, चूम कर तुमको हो जाऊं जाने जा मैं दीवाना, मस्ती मस्ती करो मस्ती बाबा, सब कुछ मेरे लिए सासू माँ, तू तो अकेला जा गले नागिन बन के हो जाने जा, चूम कर तुमको हो जाऊं जाने जा मैं दीवाना, आई लव यू। आई लव यू लव यू आई लव यू। यार इस शब्द का झांसा देकर मेरी माँ को किसी लोफर ने धोखा दिया, और मेरी माँ ने एक पति के बिना और मैंने एक बाप के बिना जिंदगी कैसे गुजारी ये हम जानते हैं। प्यार का नाम सुनते ही मेरा खून खौलने लगता है, नफरत है मुझे ऐसे प्यार से। ए, देख मुझे जो चीज पसंद नहीं है मैं उस चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता, तुम जा सकती हो। देखो बालिया तुम्हारा दिल तो समुंदर की तरह है, उसकी गहराई में जो प्यार छुपा है मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। hey, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ मुझे पता नहीं होता। बाला तुम एक कमल के फूल की तरह हो, अगर उसे धोकर भगवान के चरणों में चढ़ाया जाए तो उसका स्थान ऊंचा हो जाता है। ये सब बोल बचन छोड़, मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता। तुम्हारे अंदर जो टैलेंट छुपा है उसी टैलेंट की वजह से मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार का मतलब? हाँ, क्या है प्यार का मतलब? एक लड़का लड़की का मिलना, अपनी इच्छा पूरी करना, मेरे हिसाब से यही प्यार है। क्या तू कबूल करती है? करती है कबूल? हाँ हाँ कबूल करती हूँ। प्यार के लिए इंसान अपनी जान भी देता है, पर मैं जान से बढ़कर अपना तन तुम्हें दे रही हूँ। एक मिनट रुक, वो क्या है ना मैं जहाँ खाता हूँ वहीं पर हाथ धो डालता हूँ, बाद में कोई झंझट नहीं पाता। अच्छा ये ले पकड़, ये 7,000 है, अगर ज्यादा चाहिए तो अगली 7 तारीख को मिल। प्यार की कीमत और माँ के दूध की कीमत लगाने वाले तुम जैसे इंसान को तो हैवान का नाम देना चाहिए। ओए। प्यार का मतलब नहीं जानने वाला जानवर है तू। होट। तू प्यार की भावना दर्द का एहसास इन सब चीजों के बारे में क्या जानेगा, क्योंकि तू राक्षस है राक्षस। मैं कहता हूँ फूट जा। तू
तू अपनी कॉलेज के लिए मास्टर नहीं, अपनी मौत को ढूंढने के लिए आई थी। उसके आने से पहले तू यहाँ से चली जा। बाला जैसे खतरनाक इंसान के दिल में अगर बदले की भावना आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। बड़े घर की बेटी हुई तो क्या हुआ, तुम उसे रोक नहीं पाओगी। जल्दी से तुम यहाँ से निकल जाओ। हाँ हाँ निकल चले जाओ। बालिया बालिया हमने उसे भेज दिया। बालिया इस गांव से भेज दिया। प्लीज प्लीज बालिया भैरवी को भूल जाओ। भैरवी कहाँ है? यहाँ से चली गई है। प्लीज उसे भूल जाओ। प्लीज भूल जाओ बालिया। भैरवी यहाँ है। क्या मारोगे? आओ मारो मुझे। जब तुमने मेरे सच्चे प्यार को हवस की नजरों से देखकर उसकी कीमत लगाई तभी मैं मर गई थी। और मरी हुई लाश को मौत से डर नहीं लगता। आओ मारो मुझे। तूने इधर मारा, मेरे को इधर लगा। मैंने अपनी माँ के अंदर प्यार देखा है और तेरे प्यार के अंदर अपनी माँ को देखा है। तेरा प्यार समुंदर की गहराई और आकाश की ऊंचाई जितना है, मेरी शराब से बहुत ज्यादा है, जो मेरे को अभी पता चला। अगर ये मार नहीं लगती तो शायद घमसान नहीं बन सकता था मैं। वाल्मीकि डाकू एक घटना से साधु बन गए थे और आज जो घटना घटी उससे तुम बिल्कुल सुधर गए हो। इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है? राजा भाई हैप्पी न्यूज। तू अपने मनपसंद जेल में शिफ्ट होना चाहता था ना, तो ये बात मैंने बड़े भाई को बोल दी। उन्होंने शिफ्ट की जगह तेरी बेली करवा दी। आज रात को ही लंदन भाग जा। नहीं
नहीं, मुझे जेल बेल कुछ नहीं चाहिए। उसको मारे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। मेरी ये हालत करने वाला मुझे चाहिए। उस कमीने को मैं अपने हाथों से मारूंगा। कौन है वो? क्या नाम है उसका? कोई बालिया है, आगरा कॉलोनी में रहता है। जिस तरह हम कभी कभी लोगों के साथ अन्याय करते हैं, ठीक उसी तरह कभी कभी भगवान हमारे साथ न्याय भी करता है। उसने तो सिर्फ तुम्हें मारा है, लेकिन लेकिन उसने मेरी पूरी जिंदगी उजाड़ दी। सिर्फ उसको मिटाने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ उसके कॉलोनी को भी मिटाना होगा। उसे और उसकी कॉलोनी को शमशान बना दूंगा। ये क्या मम्मी, बिना बताए आ गई आप? तुमसे मिलने आई हूँ। वो मम्मी, मैं आपको फोन करके बताने वाली थी। थैंक गॉड अब खुद ही आ गई, एक इम्पोर्टेंट बात थी। पता है? पता है? तुम्हें एक लड़के से प्यार हो गया है, यही कहना था ना? और उसका नाम बालकृष्णा है। मम्मी ये सब आपको कैसे पता चला? कोई सिल्क कंपनी का मालिक है राइडू, और उसी ने मुझे तुम्हारी ये सारी कहानी सुनाई है। भैरवी के बारे में मैं नहीं जानती क्या? वो जो भी काम करती है मेरी पसंद का ही करती है, और भैरवी जो भी करती है मुझे पसंद है। मम्मी मैंने गरीब लड़के से प्यार किया है ये बात कहने से डर रही थी, लेकिन आप तो वो गरीब नहीं बेटी, वो इंसान कैसे गरीब हो सकता है भैरवी, जिसने तुम्हारा दिल चुराया वो तो चक्रवर्ती हो गया ना बेटी। प्यार का चक्रवर्ती राजा। नमस्कार बहन जी। नमस्कार, आप कौन? हमारी मैडम ने आपको बुलाया है। कौन मैडम? भैरवी की माँ। नमस्कार मैडम, मुझे आप बुला लेती तो मैं खुद चली आती, आपको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत तुम्हें होती तो तुम ढूंढते हुए आ जाती, जरूरत मुझे है तो मैं ढूंढते हुए आ गई। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। आपको मुझसे काम है? मेरी बेटी भैरवी की शादी की बात करनी है तुमसे, गाड़ी में बैठो। ये उसी का इलाका है, आग लगाना है, मर्डर करना है, जो करना है कर ले, आजाद है तू। सारे नोजल खोल दो। ए राइडू, बालिया कहाँ है? आएगा वो, जरूर आएगा, इनकी चीख सुनकर आएगा, ये पब्लिक उसकी जान है। इसे ही मुझे मारना है, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। We'll be right back.
मंडप का एक दिन का किराया कितना है जानती हो? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए? और यही मैं अपनी बेटी भैरवी की शादी करवाना चाहती हूँ। यहाँ एक साथ 2000 गाड़ियाँ पार्क हो सकती है, देखा तुमने कितना बड़ा पार्किंग है। हाँ हाँ, बालिया की शादी के लिए इतनी गाड़ियाँ आएगी। आओ देखो, इस हॉल के अंदर एक साथ 3000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। इतने लोग? Yes. ये चामुंडेश्वरी की बेटी की शादी हो रही है, समझी? सेंट्रल मिनिस्टर और बड़े बड़े बिजनेसमैन, सारे बड़े बड़े लोग यहाँ आएंगे। आप सच कह रही हैं, मेरी बालिया की जन्म कुंडली में ऐसा ही लिखा है कि उसकी शादी बड़ी धूमधाम से होगी। 1000 से भी ज्यादा लोग यहाँ खा सकते हैं। अरे बाप रे, हजारों लोग, वो भी मेरी बालिया की शादी में? हमारे होटल में इलेक्शन के टाइम पे 20 लोग से भी ज्यादा आते नहीं। सचमुच मेरा बालिया बहुत ही किस्मत वाला है। अब अगर मेरी बेटी भैरवी तुम्हारी बहू बनी तो उसे क्या सिखाओगी? अपने होटल के बगल में दूसरा होटल देख रखा है क्या? इडली कैसे बनाते हैं, कितना आटा पड़ता है, कितना पानी चाहिए, ये सब सिखाओगी क्या? ये आप क्या बोल रही है? मेरा बेटा बाल्या और आपकी बेटी भैरवी? मेरी बेटी का नाम भी तुम ठीक से नहीं ले सकती हो, और तुम्हारे बेटे का नाम अपनी जबान से लेते मुझे बहुत तकलीफ होती है, समझे? कि बेटी ने पहले मेरे बेटे से प्यार किया। ये सब फालतू बातें मुझे नहीं सुननी। तुम जैसे लोग एक खूबसूरत लड़के को पैदा कर देते हो, फिर उसे शेर की तरह पाल पोस कर बड़ा कर देते हो, फिर उसे सिखाते हो, उसे समझाते हो कि किसी पैसे वाली लड़की को फांस कर उसकी दौलत पर कब्जा कर लो, ताकि वो और उसका सारा परिवार खुशी से रह सके। लंदन में मर्दों से भी धंधा करवाया जाता है ऐसा मैंने सुना था, पर यहाँ इंडिया में अपने ही बेटे से धंधा करवाया जाता है ये मैंने पहली बार देखा है, और इसकी शुरुआत तुमने की। इसे क्या कहते हैं जानती हो? मेल प्रोस्टिट्यूट। अगर तुम्हारी कोई लड़की होती तो तुम उसी के सहारे जिंदा होते। ये तो लड़का है इसीलिए बिजनेस करवाया। शुरुआत तुम्हारे बेटे ने की या तुम कर चुकी हो? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं सब लोग? सब ठीक है ना? सुबह से तुम्हारी माँ गई है, अभी तक लौट कर नहीं आई। पता नहीं कहाँ चली गई। क्या सुबह से नहीं दिखी वो? क्या बात कर रहे हैं तुम लोग? तुम्हारी माँ कहाँ कहाँ जाती है सबको पता है। जाती है तो सुपरमार्केट में, या फिर सब्जी लेने बाजार में, नहीं तो तेरे जन्मदिन पर अपने कॉलोनी के मंदिर में। सब जगह ढूंढा बाबू, पर कहीं पता नहीं चला। सुबह से ही नो रिप्लाई आ रहा है, सुबह से ही नो रिप्लाई आ रहा है। ये कैसे हो गया? मैं एक बड़ा सा मंडप फिक्स करके तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रही हूँ, और यहाँ बापैया की माँ गायब हो गई। पुलिस में कंप्लेन की तुमने? पुलिस कंप्लेन की? क्या सरला माँ ने कुछ गलती की है? अगर हम गलती करते तो सरला माँ हमें समझाती है। ऐसी है सरला। पागलों जैसी बातें मत करो। सरला आंटी गायब है तो क्या हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? हम जाकर पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो ही हमें पता चलेगा ना कि क्या हुआ। भैरवी नहीं, ऐसी बात मत कर भैरवी, बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा मैं, नहीं कर सकूंगा। बालिया, ये प्रसाद है, मेरे जीजा जी। नमस्कार। जनरल हॉस्पिटल में काम करते हैं। जब माँ गायब हुई थी उस दिन इनके हॉस्पिटल में 3 लाशें आई थी, अगर आप चलकर देख लें तो।
सरला माँ को हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत थी? नहीं हो सकता, हमें अगर हॉस्पिटल में जाकर देख लेना चाहिए। चामुंडेश्वरी के अहंकार में मेरी माँ और भैरवी बलि हो गए। मेरी भैरवी को आखिर में मैं लकीरों में देख सका, उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया मैं। मैं अपनी माँ, अपनी प्रेमिका, अपने कॉलोनी वाले सबको खो चुका था, सिर्फ एक लाश बनकर रह गया था। क्या करूं और क्यों जीऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोच सोच कर मैं पागल होता जा रहा था। आंखें होने के बाद भी मैं अंधा था और अंधा होता चला जा रहा था। कहां जा रहा था कि मैं किधर जा रहा था मुझे खुद को भी पता नहीं था। और रास्ते पर जब भटक रहा था तब एक दिन गंगा नदी में मुझे मेरा प्यार दिखाई दिया। ये क्या बाला, क्या तुम्हारी जिंदगी ऐसी खत्म हो जाएगी? क्या इसलिए मैंने तुमसे प्यार किया था? मुझे और तुम्हारी माँ को जिसने तुमसे दूर किया, उन्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हें जीना ही होगा। और जो लोग तुम्हारे लिए जी रहे हैं उनको साबित करना होगा बाला, जो प्यार मुझे नहीं मिला वो मेरी बहन कल्याणी को मिलना चाहिए। जहाँ मेरी जिंदगी खत्म हो गई वहां से मेरी बहन कल्याणी की जिंदगी शुरू होनी चाहिए। कल्याणी के लिए तुमसे अच्छा पति कोई और नहीं हो सकता, तुम उसे अपना लो, यही मेरी आरज़ू है। इस चामुंडेश्वरी ने जिस बालिया को फुटपाथ की औलाद कहकर ठुकरा दिया था, उसी चामुंडेश्वरी से मैंने अपनी तारीफ करवाई, अपने पास बुलाया। जिस चामुंडेश्वरी ने यह कहा कि मैं उसकी बेटी के काबिल नहीं, और जिसने मेरी मां और भैरवी को मुझसे दूर किया, फिर उसी चामुंडेश्वरी को अपनी छोटी बेटी की मुझसे शादी करवाने के लिए मजबूर मैंने किया। बोलिए चामुंडेश्वरी देवी जी, आपकी बेटी से शादी करके मैं क्या करूं? एक और इडली की दुकान डालूं? इडली कैसे बनाई जाए, इडली के साथ चटनी कैसे बनाते हैं ये सिखाऊं? चप्पल सीने वाले का बेटा अब्राहम लिंकन एक टाइम का अमेरिका का प्रेसिडेंट था, पता है ना तुम्हें? एक टाइम था जब घर घर जाकर न्यूज़पेपर डाला करते थे एपीजे अब्दुल कलाम। वो कौन है? इंडिया के प्रेसिडेंट। एक इंसान के लिए एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जिट इंपॉर्टेंट है। कहां पैदा हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या हासिल किया ये इंपॉर्टेंट है। थर थर झर 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 मेरा दिल करता है तुमसे मिलन, घन 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 डम डम तुम चुप ना रहो। बाला, मेरे कृष्णा को लेकर आ गया, मेरे दिल में तुम बसो, पाँव के तले प्रेम कमल बिछा दो, जो जो कहा तुम रंग दिल के। कभी मैं चांद देखूं, कभी मैं तुम्हें देखूं, कभी मैं चांद देखूं, कभी मैं तुम्हें देखूं। कृष्णा, तुम्हें ये गाना कैसे पता? कभी मैं चांद देखूं,
कभी मैं तुम्हें देखूं, कभी मैं चांदी देखूं, कभी मैं तुम्हें देखूं, जग में साथी चाहिए मन के द्वार खोले, जग में साथी चाहिए हो मन के द्वार खोलने।